हेलो एंड वेलकम एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत टेबल रनर पेंटिंग जिसको कोई भी बना सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये सिल्क मिक्स टाइप की एक कपड़ा है प्योर कॉटन नहीं है आप अपने हिसाब से कोई भी आ, कपड़ा ले सकते हैं और यहाँ पर मैंने इसके नीचे इस तरीके की कार्डबोर्ड यूज करने वाली हूँ बट आप कोई भी आर्ट पेपर के ऊपर भी रख के इसको कर सकते हैं न्यूज़ पेपर मत रखिए और बहुत ज़्यादा पतले टाइप का कपड़ा यूज़ करते हैं तो फ्रेम का आप यूज़ कर सकते नहीं तो कलर ज़्यादा बैक साइड पर आ जाएगी तो सबसे पहले हमें पेंसिल से मार्क कर लेना है एकदम लाइट करके मार्क करें नहीं तो बाद में इसकी जो लाइन हैं वो रह जाती है और ये थ्री पार्ट्स में होगा तो लंबाई में आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं टेबल के अनुसार और ब्रॉड में भी आपको जितना लंबाई चाहिए आप ब्रॉड में भी उतना कर सकते हैं तो ये हमारी मार्किंग हो गई है अब इसके मिडिल पे जो है ना यहाँ पर हमें डायमंड शेप की तरह आ, करना है पेंसिल से मार्क कर लीजिए यहाँ पर भी मैं यहाँ पर एक डायमंड शेप को मार्क करके दिखा रही हूँ ऐसे ही सेम ये जो मिडिल की लाइन है इसके अंदर होगा एकदम एंड तक ये देखिए तो इसको हमें पूरा कंप्लीट करना है और ब्रश के लिए मैं यहाँ फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ यह है कैमलिन की फ्लैट ब्रश बहुत मुझे पसंद है ये ब्रश और इसकी हेयर भी बहुत अच्छी है गुड क्वालिटी है और ये मैंने ऑनलाइन परचेस की थी फ्लिपकार्ट से अब अपने पसंद के कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं कोई भी ब्रांड की कलर मैं यहाँ पर फेबिक्रिल की वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ और जो मार्केट में बहुत इजीली आपको मिल जाएगी आप कोई भी ब्रांड यूज़ करें कैमल की भी है कैमलिन की भी है अब जो आपको पसंद है और ये कलर ना मार्केट में इजीली आपको लोकल स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं अमेजोन भी आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से और लाइट कलर के ऊपर कोई डार्क कलर से पेंट करे और डार्क कलर के ऊपर कोई भी लाइट कलर से पेंट करे तो जाके बहुत अच्छी होगी तो इसके अंदर बाद में हम लोग एक आ, ये छोटी सी एक फ्लावर बनाएंगे बट अभी नहीं अभी ये जो हमें डायमंड शेप हमने बनाई है तो इसको कंप्लीट कर लेना है पूरे एंड तक ये सीधी लाइन होता तो बहुत जल्दी हो जाती और बहुत आसान होती बट ये डायमंड शेप के ऊपर ये चीकर पेंटिंग थोड़ी सी मुश्किल है आप एकदम पहली बार ट्राई करते हैं ना तो मैं आपको बोलूँगी आप पहले आ, कोई भी पुराने कपड़ों के ऊपर ज़रूर ट्राई करें एक दो बार उसके बाद ही अच्छे कपड़ों के ऊपर ट्राई करें और ड्राइंग शीट के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं बट क्या है ड्राइंग शीट के ऊपर बहुत पेंटिंग करना बहुत स्मूथ होती है कपड़ों के ऊपर उतना स्मूथ नहीं होती है ऑनेस्टली पेपर के ऊपर बहुत अच्छे से हो जाती है आई I मीन mean, ड्राइंग शीट के ऊपर तो यहाँ पर जो नीचे की जो लाइन है यहाँ पर भी बहुत सिंपल होगा ये देखिए सेम ब्रश आपको कलर भी बहुत ज़्यादा सिर्फ मैंने वाइट कलर यूज़ किया है और सेम ब्रश आपको बहुत कुछ लेने की भी ज़रूरत नहीं है बहुत टाइप की ब्रश एक ब्रश में ही आपकी काम पूरी खत्म और कलर भी और ये आपको वॉश भी कर सकते हैं हमेशा इसको हाथ से वॉश करें कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट या इजी के साथ और ये पेंटिंग के बाद 24 फोर आवर्स के लिए ही इसको ऐसे रख दीजिए कुछ मत कीजिए उसके बाद बैक साइड पे एक बार आई I मीन mean इसके रिवर्स साइड पे एक बार एक बार प्रेस कर लेना कलर के ऊपर बिल्कुल आपको प्रेस नहीं करना है और इसको रगड़ना नहीं है आई I मीन mean स्क्राब ऐसे नहीं करना है इसके ऊपर और कभी भी आपको अगर प्रेस करना है तो इसके बैक साइड पर ही करें और कलर के बाद आ, बाद 72 टू आवर्स के बाद ही वॉश करें उसके पहले ना करें अगर ज़रूरत पड़े तो ही वॉश करें नहीं तो वॉश करना करना ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है आपने देखा ये कितना ज़्यादा आसान है तो इसको ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये आ, फैब्रिक पेंटिंग के ऊपर आपको ड्रेस के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगी अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं वो बिल्कुल फ्री है और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना वो बहुत अच्छा लगता है और किस टाइप की वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए और होले अवश्य बांगल्लाए कमेंट करो कि जानते चाहो बोलते परो सब प्रश्नर उत्तर बांगल पे जाए बांगला ब्लॉगर चैनल देखते हमें हमारा चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन आज देखे नहीं तो यहाँ पर जो ये गैप है ना यहाँ पर हम इक्कत के जो डिज़ाइन है ना वो बनाएंगे बहुत आसान है बस अब इस तरीके से रख के इसको छोड़ दीजिए देखिए कितना आसान है ये है आफ्टर कंप्लीट देखिए कितना खूबसूरत है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टेक केयर बाय बाय